नमस्कार दोस्तों, क्रेजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्रुप टी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो है पेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो आइए जानते हैं कि फेस वैल्यू होता क्या है। तो फेस वैल्यू अगर आपको किसी भी संख्या का पूछा जाए तो वो संख्या खुद होता है। जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, जैसे 3812, ठीक है, इसमें अगर आपको पूछा गया कि 8 का मेरा फेस वैल्यू कितना होगा, तो 8 का फेस वैल्यू होगा 8। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 3 2। यहाँ पे मान लीजिए कि आपको पूछा गया 4 का फेस वैल्यू, तो 4 का फेस वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 4 का फेस वैल्यू होगा 4। जो नंबर का आपको पूछा जाए वो नंबर खुद होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 3 5 8 9। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको पूछा गया 9 का फेस वैल्यू, ठीक है, तो 9 9 का फेस वैल्यू कितना होगा, 9 का फेस वैल्यू होगा 9। ठीक है, ये तो था फेस वैल्यू के बारे में। अब आइए हम लोग जानते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू होता क्या है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू मान लीजिए कि एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 3815। ठीक है, इसका मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 8 का मुझे प्लेस वैल्यू पूछा गया। ठीक है, तो 8 का यहाँ पे देखिए, 8 कौन से पोजीशन पे है, यूनिट टेंस हंड्रेड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 8 × 100 कर दीजिए, यानी कि हो गया 800। तो यहाँ 8 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 5 2। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे 2 का पूछा गया प्लेस वैल्यू, तो 2 यहाँ पे देखिए कौन से पोजीशन पे है, 2 यहाँ यूनिट पोजीशन पे है, इसीलिए 2 × 1 यानी कि हो जाएगा मेरा 2। तो यहाँ प्लेस वैल्यू 2 का कितना होगा, 2। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 3 5 7। यहाँ पे मान लीजिए मुझे पूछा गया 1 का प्लेस वैल्यू, ठीक है, 1 यहाँ पे देखिए कौन से प्लेस पे है, यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड प्लेस पे है, इसीलिए 1 का मेरा प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 × 1000 यानी कि मेरा 1000। ठीक है, तो ये था दोस्तों प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। इसके बाद हम लोग जानेंगे डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिविजिबिलिटी। तो आइए डिविजिबिलिटी के बारे में जानते हैं। डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी में हम लोग देखेंगे क्या कि कोई भी नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड कब करेंगे, कब कैसे जानेंगे कि वो 2 से डिवाइड होगा कि 3 से डिवाइड होगा कि 5 से कि 10 से। ठीक है, तो ये सब हम लोग चेक करेंगे इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि किसी भी नंबर को हम लोग कैसे जानेंगे कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाई 2 सबसे पहले देखते हैं, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो डिविजिबल बाई 2 होने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे जो है वो मेरा यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 या फिर 0, ये पांचों में से अगर कोई भी डिजिट अगर मेरा यूनिट प्लेस पे आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं जैसे 1 2 5 8, 3 5 6, 4 9 2, 3 5 8 0। ठीक है, यहाँ पे आप गौर कीजिए कि
कि सारे के यूनिट प्लेस पे कितना है। यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 है, ठीक है। तो ये सारा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो 3 से कब डिवाइड होगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए ये जानते हैं डिविजिबल बाय 3, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 9 6, ठीक है। इस पे देखते हैं, इसमें 3 से मेरा डिवाइड होने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, जो सारा डिजिट है उसको हमको जोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ते हैं सारे डिजिट को, 1 और 2 3 हो गया, 3 और 9 12 हो गया, अब 12 और 6 18 हो गया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ 18 18, देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, एकदम हो रहा है, 3 से 6 बार में आ जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 3 5 1, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे जोड़ के देखिए आप, 1 और 3, यहाँ पे 1 और 3 कितना हो गया, 4 4 और 5 9, 9 और 1 10, ठीक है। 10 10, देखिए 3 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाई 3 होगा, ठीक है। यहाँ कंडीशन क्या है कि सारा जो डिजिट का जो सम होगा मेरा, सारा डिजिट को जोड़ने पे मेरा क्या होना चाहिए, जो भी आएगा वो 3 से मेरा भाग होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं डिविजिबल बाय 4 के लिए, डिविजिबल बाय 4 के लिए। तो डिविजिबल बाय 4 के लिए दोस्तों देखिए, जैसे एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 4। तो डिविजिबल बाय 4 के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि जो लास्ट का जो 2 को नंबर होगा, ठीक है, वो मेरा 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से भाग हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 से देखिए, लास्ट का 2 नंबर क्या है मेरा, 24, 24 क्या हो रहा है, 4 से भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसीलिए ये जो नंबर है ये मेरा क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 4 होगा, 4 होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 3 5 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 नंबर क्या है मेरा, 52 52, तो 52 को 4 से भाग देके देखिए भाग हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, मेरा डिविजिबल बाय 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग क्या रखेंगे, देखिए डिविजिबल बाय 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स को, सम ऑफ डिजिट्स को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करके देखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स जो आएगा वो मेरा क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, ठीक है। और इस केस में क्या देखेंगे हम लोग कि लास्ट टू डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, ठीक है। ये तो था दोस्तों 4 से। अब मान लीजिए मुझे देखना है 5 से, ठीक है, चौथा देखते हैं आज डिविजिबल बाय 5 के लिए, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिसके यूनिट प्लेस पे जिसके जिसके 5 या फिर 0 रहे, वो सारा का सारा संख्या मेरा क्या होगा, 5 से मेरा भाग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 1 3 5 1 8 0 3 2 5 0, यहाँ पे देखिए सारा का यूनिट प्लेस पे देखिए आप, यहाँ पे 0 और 5 है, तो ये क्या होगा, सारा का सारा जो नंबर है वो मेरा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं डिविजिबल बाय 6, ठीक है, डिविजिबल बाय 6 के केस में। तो डिविजिबल बाय 6 के केस में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक संख्या ले लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 1 2
ठीक है, 123। तो 123 जो है, 123 एक और ले लेते हैं, 6, 1 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि देखिए 1 2 3 6 जो है 2 से भाग हो रहा है कि नहीं, 2 से भाग हो रहा है, एकदम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे इसका है 6, इसलिए ये 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 से भाग हो रहा है कि, ठीक है, तो यहाँ पे सारा को जोड़ दीजिए। सबसे पहले आप 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 3 से भाग हो जाता है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पूरा संख्या है मेरा 2 से भी भाग हो रहा है और 3 से भी भाग हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये पूरा संख्या जो है 6 से भी भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये होगा डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 6 होने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि 2 और 3 दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों ही से भाग होना चाहिए, जो संख्या मेरा दिया हुआ है दोनों ही से भाग होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो है, हम लोग आते हैं डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 8 के केस में देखिएगा आप कि लास्ट जो 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट जो होगा, 3 डिजिट जो होगा वो मेरा डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट 3 नंबर में हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पर देखते हैं 1 5 2 8 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए 2 8 4 लास्ट 3 नंबर है, तो देखिए 284 जो है वो मेरा 8 से भाग हो रहा है कि नहीं, तो ये भाग हो रहा है 33 बार में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नंबर है मेरा, ये मेरा क्या होगा, डिविजिबल बाई 8 होगा। ठीक है दोस्तों, एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 1 3 2 5 6, इसमें चेक करते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट 3 नंबर 256, 256 जो है, 256 जो मेरा है 8 से भाग हो रहा है, एकदम हो रहा है। ठीक है, कितने बार में हो जाएगा ये, 3, और ये मेरा 2, 32 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिविजिबल बाई 8 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग जानते हैं कि ये डिविजिबल बाई 10 कब होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग डिविजिबल बाई 10 के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूनिट प्लेस पे जिसके जिसके मेरा 0 होगा, यूनिट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस पे आप बोल सकते हैं, यूनिट प्लेस पे मेरा जिसके जिसके 0 होगा वो संख्या क्या होगा, मेरा 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1380, 240, 350, तो यहाँ देखिए सारा का यूनिट प्लेस पे कितना कितना है, यहाँ पे मेरा 0 0 0, इसलिए क्या होगा, ये सारा का सारा नंबर जो होगा मेरा 10 से डिवाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि किसी भी नंबर को हम लोग कब कहेंगे कि डिवाइड, वो जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा 11 से। ठीक है, तो 11 से हम लोग जो है, 11 से देखने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि 11 से भाग होने के लिए वो हम मेरा क्या होना चाहिए कि सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स, सॉरी, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड ऑड प्लेस, ये मेरा क्या होना चाहिए, ये या तो मेरा 11 होना चाहिए या तो मेरा 0 होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि 294 35 417। ठीक है, यहाँ पे इवन प्लेस पे आप देखिए कौन कौन सा नंबर है मेरा, इवन प्लेस पे है, यहाँ मैं, ये मेरा इवन प्लेस पे है, 3 भी इवन प्लेस पे है, 4 भी मेरा इवन प्लेस पे है,
सेवन भी मेरा इवन प्लेस पे और बाद बाकी जो बच गया वो मेरा ऑड प्लेस पे है। तो सारा को जोड़ दीजिए पहले आप, तो नाइन थ्री फोर और सेवन माइनस टू फोर फाइव और ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए, नौ और तीन बारह और चार सोलह, सोलह और सात तेईस। यहाँ पे जोड़ के देखिए आप, दो और चार छः, छः पाँच ग्यारह एक बार। तो यहाँ पे घटाने के बाद कितना आ रहा है मेरा, ग्यारह। इसलिए क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पूरा संख्या जो है मेरा ये ग्यारह से भाग हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फाइव सेवन फोर सिक्स थ्री एट डबल टू, ठीक है। यहाँ पे आप लोग वही फिर देखिए, ये इवन प्लेस पे है, ये है इवन प्लेस पे मेरा, ये भी इवन प्लेस पे है और ये इवन प्लेस पे, ठीक है। सबको जोड़ के देखते हैं, सात छः आठ और दो माइनस पाँच चार तीन दो, ठीक है। यहाँ कितना हो गया मेरा, सात और छः तेरह, तेरह और आठ इक्कीस और दो बाईस तेईस, ठीक है। पाँच और चार नौ, नौ और तीन बारह, बारह और मेरा यहाँ दो चौदह, ठीक है। तो घटाने पे मेरा कितना आ जा रहा है, छः, छः और तीन। तो यहाँ पे देखिए, ना तो मेरा ग्यारह आ रहा है, ना तो मेरा ग्यारह आ रहा है, ना जीरो आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है ये मेरा नॉट डिविजिबल हो, इलेवन से नॉट डिविजिबल बाय इलेवन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या को हम लोग कब कह सकते हैं कि वो डिविजिबल बाय 12 होगा, डिविजिबल बाय 12। तो 12 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तीन इंटू चार लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी मेरा नंबर जो दिया हुआ है वो मेरा तीन से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर चेक करेंगे कि चार से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों ही केस में मेरा क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो हम लोग कह सकेंगे कि वो जो नंबर है मेरा वो 12 से मेरा भाग होगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वन टू थ्री, ठीक है, 1236, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए, तीन से ये भाग हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारा को जोड़ देते हैं, ठीक है। एक और दो तीन हो गया मेरा, तीन और तीन छः, छः छः बारह, बारह मेरा तीन से भाग हो रहा है, ठीक है। इसलिए इस केस में मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब देखते हैं कि चार से हो रहा है कि नहीं, तो लास्ट का दो गो नंबर देखिए आप, यहाँ लास्ट का दो गो नंबर कितना है, 36 है, 36 मेरा चार से भाग होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पूरा संख्या है ये मेरा क्या होगा, 12 से भाग हो जाएगा, ठीक है। ये 1236 डिविजिबल बाई 12 होगा, डिविजिबल बाई 12 होगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।